वेलकम टू केडी क्लासेस। आज आपके सामने क्लास 11 का ये फर्स्ट वीडियो है, जो आज इससे पहले एक इंट्रोडक्शन हुआ था। आज चैप्टर वाइज शुरू होगा क्लास 11 का। तो जो भी बच्चे आपके 10 पास होके 11 में हैं, तो क्लास 11 के लिए आपका स्टार्टिंग मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, फर्स्ट चैप्टर में कुछ बताया थे। उसके फर्स्ट चैप्टर के बाद दूसरा जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 11 का केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान हम पढ़ेंगे। जो लेसन का नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये पार्ट वन वीडियो है आपका, याद रखिएगा पार्ट वन है। पार्ट वन देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक यानी परमाणु संरचना कैसे होती है। पहले हम जानेंगे परमाणु क्या होता है, उसके बाद परमाणु संरचना कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में मुख्यतः आपको परमाणु क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, परमाणु की संरचना कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना है, परमाणु का संरचना कैसे उसका उत्पन्न हुआ, कैसे निर्माण हुआ वो जानेंगे। साथ ही साथ मॉडल जो होते हैं परमाणु के, कौन कौन से मॉडल है, ओल्ड मॉडल एंड आपका न्यू मॉडल, दोनों तरह के मॉडल है इसमें, उसको हम जानेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में आपका क्वांटम संख्या क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, पॉली पॉइसन नियम क्या है, और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द एटम, परमाणु क्या है। सबसे पहले यानी परमाणु संरचना, पहले आपको याद होना चाहिए परमाणु किसे कहते हैं, ये जानेंगे हम, तो उसकी संरचना को हम पढ़ेंगे। तो परमाणु किसे कहते हैं, ये चीज आपका किसी भी तत्व का परिभाषा हम याद करेंगे। परिभाषा बहुत सिंपल है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। ये परमाणु का डिफिनेशन है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। किसी भी आपके तत्वों का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था परमाणु क्या है, तत्वों का सबसे सूक्ष्मतम कण। अब तक तो मैंने कहा आज के डेट में 118 एलिमेंट ज्ञात है, यानी आपका जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी है सोडियम, ये सब क्या है एलिमेंट, इन टोटल 118 एलिमेंट है। तो जितने भी एलिमेंट है आप जानते हैं सब पदार्थ, जो पदार्थ हमें कहीं ना कहीं तत्वों से मिलकर बना है, यानी आपका परमाणु होता है, परमाणु से अणु होते हैं, अणु से आपका पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, डिमेंशन होता है। तो किसी भी तत्व का यानी जो भी एलिमेंट हो, चाहे हाइड्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, फास्फोरस हो, सोडियम हो जाए, किसी भी एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम कण, यानी किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हो, यानी इससे छोटा कोई कण नहीं है, ये माना जाता था इससे कोई छोटा कण नहीं है, ये सबसे छोटा कण है। जिस प्रकार से आपके हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जो कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, सेल, यानी हमारी पूरी बॉडी, या आप बात करें जो व्हेल मछली होती है, सबसे बड़ी जो मछली होती है, या हाथी होती है, देखते हैं आप लोग, उनका शरीर किससे बना हुआ है, यानी सेल से। सेल क्या है, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। जस्ट लाइक यहां पर क्या है, एटम क्या है, किसी भी पदार्थ का कहिए, किसी भी एलिमेंट का कहिए, यानी किसी भी आपके पदार्थ जो चीज देख रहे हैं, हर एक पदार्थ एलिमेंट से बना है, तो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाता है। जिस प्रकार सेल बॉडी की छोटी इकाई है, उसी प्रकार आपके जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट की हम बात करें तो सभी एलिमेंट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, यानी इससे कोई छोटा नहीं है, इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु। डाल्टन ने सबसे पहले आपका परमाणु का सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने बताया था सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो अविभाज्य कण होता है, यानी विभाजित नहीं होते हैं, और सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल आपका परमाणु माना जाता है, यानी इससे कोई छोटा पार्टिकल्स होते ही नहीं, यानी सबसे सूक्ष्मतम कण आपके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। याद रखिएगा परिभाषा, याद रखिएगा किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनेंगे, जैसे ये आपको क्या है एलिमेंट परमाणु हुआ, लेकिन अगर परमाणु दो आपस में मिल जाते क्या बनता है, अणु बनता है, तो आपके परमाणु तत्वों का सूक्ष्मतम कण है और बनता है क्या, अणु। किसी भी तत्व को वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हो, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए, रासायनिक अभिक्रिया 10 में पढ़े होंगे आप, 9 में पढ़े होंगे,
केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे हमने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल का फॉर्मेशन करते हैं। उन्होंने जैसे केमिकल रिएक्शन सोडियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं। तो आप क्या बता रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुई यानी बिना ब्रेकडाउन टूटता नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके परमाणु को आप विखंडन कर दीजिएगा, टुकड़े कर दीजिएगा, टुकड़े नहीं होते, यानी किसी के टुकड़े नहीं होते, बिना घटित हुए क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु को। जो स्वतंत्र अवस्था में नेचुरल में प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, याद रखिएगा नेचर में फ्रीडम स्टेज में नहीं पाए जाते। जैसे ऑक्सीजन तो होता है, ऋण ऑक्सीजन क्या होता है, अणु ग्रुप में पाया जाता है, ओटू ग्रुप में, ओ के रूप में आपका नेचर में नहीं होता। किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए, बिना आपका ब्रेक डाउन हुए क्या होते हैं, भाग लेते हैं, उसी को हम परमाणु कहते हैं। और आपका ये क्या होता है, अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता नेचर। ये डिफिनेशन आपको याद हो, लिख लीजिएगा जरूर। सौ वर्ग का मैंने कहा, हर चैप्टर में कहता हूँ, हर आपके वीडियो में कहते हैं, जब भी आप वीडियो पढ़िए तो प्लीज़ कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए परमाणु डिफिनेशन के बाद, आपकी 19वीं शताब्दी तक माना जाता था परमाणु आपका सबसे सूक्ष्मतम कण है और अविभाज्य कण है। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआत होते हैं यानी 18वीं शताब्दी के एंडिंग में कई वैज्ञानिकों ने बताया परमाणु क्या होता है, स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अभी देखता है परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है और आज भी यही परिभाषा है, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन 19वीं शताब्दी जब बिगनिंग हुई, स्टार्ट हुई, यानी 18वीं शताब्दी जब खत्म होने वाली थी, तो आप सॉरी 19वीं शताब्दी के एंडिंग में यानी 20वीं शुरुआत हुआ, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु स्वयं जो होता है, खुद जो होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उन सूक्ष्म कणों को हम फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल कण। याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के एंडिंग तक यानी मुख्यतः 1897 में स्टार्टिंग हुई थी जो आप कहेंगे, तो क्या बताया गया, परमाणु क्या स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम मूल कण के नाम से जानते हैं। किस कण से, मूल कण के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के एंडिंग तक बताया गया परमाणु क्या था, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम मूल कण के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जानते हैं। यानी परमाणु खुद सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यानी अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वे कण दो प्रकार होते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल मूल कण होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक स्टेबल होता है, दूसरा नॉन स्टेबल होता है या अनस्टेबल कहते हैं, अनस्टेबल हिंदी में कहते हैं अस्थाई, क्या कहेंगे, अस्थाई। दूसरा आपका हिंदी में क्या रहेगा, अस्थाई। यानी फंडामेंटल पार्टिकल मूल कण जो होते हैं, जो परमाणु खुद स्वयं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वे दो तरह के होते हैं, स्टेबल और नॉन स्टेबल। स्टेबल का मतलब समझ जाए जो परमानेंट कहीं पर स्थित हो, हमेशा पाया जाता हो, वो स्टेबल हो गया। नॉन स्टेबल जिसका आश्रित क्षणिक हो, कुछ समय के लिए है, वो क्या कहलाएगा, क्षणिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखे होंगे इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में लोग बंबई से, दिल्ली से, सूरत से, कहीं से क्या हुआ, भाग के अपने घरों पर, लोगों को वहां भी घर था, लेकिन कैसा घर था, टेम्प्रोरी था, एड्रेस प्रूफ घर था, यानी अस्थायी घर था। उनको जब आप क्या हुआ, संकट काल हुआ, इस संकट काल में सभी ने क्या किया, ऐसे जगह मूव किए जहां पर उनका परमानेंट हाउस था, अस्थायी घर था। यानी अस्थायी घर आपका निश्चित है, ये आपका रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अस्थायी घर क्या हुआ, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी है कभी नहीं है। जैसे आज बंबई में कमा रहे, कल हम मुंबई में किसी हट के दिल्ली कमाने चले गए, परसों सूरत कमाने चले गए। यानी अब क्या हुआ, हम आपका प्लेस बदल दे रहे हैं, तो क्या हुआ मेरा अस्थायी, आज मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, कहीं और जॉब करूंगा, परसों और जॉब करूंगा, अस्थायी हुआ। लेकिन परमानेंट क्या हुआ, जहां पर आपका हमेशा आप फिक्स है, रह रहे हैं यहीं पर रहेंगे, इसके बाद मुझे जाना नहीं कहीं, अगर कहीं घूमने भी गया तो वहीं आएंगे। उसी प्रकार से मूल कण भी दो तरह के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी कण जो होगा हमेशा उनका परमाणु में अस्तित्व क्या रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा,
जैसे वो अस्थाई कण क्या कहलाते हैं, ईपीएल। यानी परमाणु के अस्थाई कण कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु में मुख्य रूप से तीन स्टेबल कण होते हैं, परमाणु में तीन तीन आपका मुख्य रूप से मूल कण पाया जाता है, मूल अस्थाई कण। स्टेबल आपके कण पाए जाते हैं कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपीएन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों परमानेंट स्टेबल किसी भी परमाणु में क्या होता है, हमेशा अस्थायित्व रूप प्राप्त होता है। यानी जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के परमाणु में ये तीनों कण जरूर पाए जाते हैं, हमेशा पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसका अस्थाई मूल कण के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल कितने प्रकार होते हैं, आप कहेंगे दो, अस्थाई और अस्थाई, स्टेबल न अनस्टेबल। स्टेबल कौन कौन है, ईपीएन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो हर एक परमाणु में पाया जाता है, जरूर उपस्थित रहेगा। और अस्थाई कण कौन होंगे, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। मुख्य रूप से और भी है लेकिन चार्ज आप याद रखिएगा, परमाणु में मुख्य रूप से चार अस्थाई कण है, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन। इनका अस्तित्व परमाणु में कुछ समय के लिए रहता है, फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा रहेंगे। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा परमाणु है, हाइड्रोजन या प्रोटियम के नाम से आते हैं, जिसमें आपका ये तीनों मूल कण नहीं पाए थे, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। याद रखिएगा सिर्फ एक ऐसा परमाणु है अकेला जो आपका हाइड्रोजन कहलाता है, यानी आपका हाइड्रोजन 1-1 के नाम से जानते हैं या प्रोटियम के नाम से जानते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये भी एक क्वेश्चन है आपका जीके से लेके आप केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, सभी में न्यूट्रॉन पाए जाते, सिर्फ एक नहीं पाया था, हाइड्रोजन 1-1 में या प्रोटियम के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट के परमाणु होते हैं सभी में तीनों जरूर पाए जाते हैं, क्लियर है, ये स्टेबल नॉन स्टेबल, अस्थाई अस्थाई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीन कण हो गए जो हमेशा पाए थे, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ, किसने खोज किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक परिभाषा है, परिभाषा क्या कहेंगे, कहावत है, सिंपल से एक सेंटेंस है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, क्लास 9 में 8 में 10 में सभी बताए गए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने या थॉमसन भी कहते हैं, थॉमसन भी कराता है या थॉमसन भी देते, किताब में लिखा रहेगा। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ये तीन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन खोज 1897 में हुआ था, प्रोटॉन खोज 1919 में हुआ था और न्यूट्रॉन खोज 1932 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में, प्रोटॉन की खोज 1919 में और न्यूट्रॉन खोज 1932 में किया गया। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया, इसीलिए हमने कहा आपका 19वीं शताब्दी के एंडिंग तक जहाँ पे क्या हुआ, आपका ये माना गया परमाणु भी क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, यानी सूक्ष्म अत्यंत स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये वैज्ञानिक का नाम है, आप ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने, थॉमसन या थॉमसन, दोनों एक ही है, किताब अलग अलग नाम होते हैं। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने किया। मैं क्लास 9 में बताया आपको, हर एक क्लास में बताते हैं इन तीनों वैज्ञानिक को नाम याद करने का सिंपल एक लाइन होता है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। कुछ लोग ईंट पर नाचे कहते हैं, मैं अधिकतर ईंट पर नाच कहते हैं। तो कौन नाचेगा, वैज्ञानिक नाचेंगे। यानी उन वैज्ञानिकों को बदनाम से जुड़ा गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वैज्ञानिक आपका डांस कर रहे हैं ना सी, ये तीनों अगर ईंट पर नाच है याद है तो लाइफ टाइम में हम इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया कभी नहीं बोलेंगे।
भूलते तो कभी नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन होता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन घोष हम बता देते हैं रदरफोर्ड ने किया, प्रोटॉन घोष कभी कभी बता देते हैं चैडविक ने किया था, लेकिन ये दिमाग में रहेगा। किसी ने पूछा बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घोष किसने किया, आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन घोष टॉमसन ने किया, प फॉर प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन घोष रदरफोर्ड ने किया, एन फॉर न्यूट्रॉन, च फॉर चैडविक, यानी न्यूट्रॉन घोष चैडविक ने किया। कन्फ्यूजन नहीं होगा, नाम के साथ हमने आपके जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के साथ उनके वैज्ञानिक का नाम जोड़ दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना, याद रखिए। ओके नोट कर लीजिए, बड़ी गर्मी ऐसे आप लोग। ये तो हम जानेंगे स्थायी कण अस्थायी कण किसे होते हैं, अब जानेंगे हम डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखा यहां कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, जो आपके मूल कण है उन मूल कण में स्थायी जो कण है उसकी खोज कैसे हुआ वो जानेंगे। उसी को हम लिखेंगे, आप किताब में दिया कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन, वो कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य होता है कि डिस्कवर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ उसको हम जानेंगे। देखिए एक फिगर है आपको मैंने ब्लैक बोर्ड भी इसलिए आपको सब कुछ बना दिया था पहले से ताकि टाइम का बचत हो, नहीं तो आपको हम बनाते रहेंगे बताते रहेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा आ जाता, इसलिए हम लोग फिगर पहले से बना देते हैं और तब वीडियो चालू करते ताकि आपको टाइम का थोड़ा सा बचत होता है। आइए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे किया, कैसे वो हम जानेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन खोजा गया। एक वैज्ञानिक थे जूलियस प्रकार, याद रखिएगा वैज्ञानिक कौन थे, जूलियस प्लकर, ये साइंटिस्ट का नाम है, जूलियस प्लकर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। जूलियस प्लकर याद रखिएगा साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। इनके प्रयोग के आधार पर ही आपका इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ जिसका श्रेय जाता है टॉमसन को, लेकिन समझ लीजिए पूरा का पूरा कार्य किसने किया था, आपका जूलियस प्लकर ने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। होता है ना जी, किसी ने खिचड़ी और बनाई खा कोई और ले गया, तो जस्ट लाइक यहां भी यही हुआ, इन्होंने पूरा मेहनत किया, ठीक है मेहनत करके एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं दे पाए। तो जूलियस प्लकर 1859 में आप क्या हुआ, एक कांच की बनी नली होती है जिसे हम विसर्जन नली कहते हैं, देखिए फिगर में दिया गया, एक कांच की बनी नली है जिसे हम विसर्जन नली के नाम से जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये देखिए ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, इसको हम कैथोड कहेंगे, कैथोड, इस इलेक्ट्रोड को एनोड को कहते हैं, ये कैथोड हो गया, ये एनोड, कैथोड हमेशा माइनस चार्ज होता है और एनोड जो होता है हमेशा प्लस चार्ज होता है। यहां वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप और ऊपर जो था आपका हाई वोल्टेज सोर्स, यानी आपका क्या किया गया, हाई वोल्टेज सोर्स, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, यह फिगर याद रखें। अब बताते क्या जूलियस प्लकर ने क्या किया, जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में कांच के एक नली में विद्युत विसर्जन कराने पर कम दाब पर, किसने कम दाब पर, यानी उन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट में मरकरी गैस का प्रयोग किया था, यानी जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में आपका किसी भी गैस का विसर्जन नली में कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराने पर कैथोड से एक किरण पुंज निकलती कांच निकलेगी, कैथोड किरण पुंज निकलेगी जो एनोड की ओर जाती है, कहां जाएगी एनोड की ओर, ठीक है, और एनोड की ओर जाने से क्या होता है, इस कांच की दीवार में हरे रंग की ग्रीन कलर का प्रकाश दीप्त उत्पन्न होता है, लाइट दिखाई देती है। तो आपको कैथोड से निकलने के कारण इस किरणों को कैथोड रेस कहा गया, क्या कहा गया, कैथोड रेस, याद देखिएगा बहुत सिंपल से अगर मैं आपको बता रहा हूं लिखने का तरीका, जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में विसर्जन नली में किसी भी गैस का कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराने पर
कैथोड से एक अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देगी आपको अदृश्य किरण पुंज निकल रही है जो एनोड की ओर चलती है। कहां चलती है? एनोड की ओर चलती है। और इस कांच की दीवार यानी सामने कांच की दीवार पर, इस सामने दीवार पर हरे रंग की प्रकाश दीप्त उत्पन्न होती है। कैथोड से निकलने वाले किरण पुंज को, अदृश्य किरण पुंज को वैज्ञानिकों ने कैथोड रेज नाम दिया। क्या नाम दिया? कैथोड किरणें नाम दिया। ये जूलियस फ्लेकर का पूरा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, कम दाब, दाब अगर नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी धारा प्रवाहित होगी लेकिन इसमें से किरणें नहीं निकलती है। इसलिए अगर कमरे के ताप पर नहीं, कम दाब किया जाए, दाब कम करेंगे तब जाके आपका इसमें से अदृश्य किरण पुंज निकलेगी। दाब कम नहीं रहता तो अदृश्य किरण पुंज नहीं निकलती है। इसलिए बता रहे कम दाब पे हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं ताकि हम क्या करें, दाब को कम कर दिया जाए। कौन गैस होता है? एचजी यूज होता है, मैंने बताया था एचजी में इसमें प्रयोग किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट यही तक इनका होगा कंप्लीट। उसके बाद क्या हुआ, इनके एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर दिया, इसके आगे इन्होंने नहीं बता पाया। इसके बाद विलियम क्रूक्स, दो वैज्ञानिक हैं, विलियम क्रूक्स ने 1879 और जे थॉमसन गई है या थॉमसन गई, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बुक में नाम दिया, कहीं पर थॉमसन भी है कहीं पर थॉमसन भी है। इन्होंने 1897, देखिए दोनों का डेट याद करने बहुत सिंपल तरीका, विलियम क्रूक्स ने 1879 और थॉमसन ने 1897, सिर्फ डिफरेंट क्या, ये बदल गया, यहां पर 79 है, यहां पर ब्लड बदल दिया गया है, 9 इधर आ गया और 7 इधर हो गया। दोनों का डेट याद रखने बहुत सिंपल तरीका है। इन्होंने क्या किया, आपकी ये जो कैथोड रेज है, कैथोड किरणें का है, इसके प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं। जब गुणों का अध्ययन करते हैं उस गुणों के आधार पे ही इलेक्ट्रॉन का खोज बताया गया थॉमसन द्वारा, बताया गया। तो आपको वीडियो काफी लंबा हो जाएगा शायद, इस वीडियो में 1 घंटे का ज्यादा हो जाता है, मे बी आपका कम वीडियो बनेंगे तो आप देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है, फिर से मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके गुण क्या होते हैं वहीं पे बताएंगे कैसे आपका इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। थैंक यू, सी यू अगेन।